किसी ने राबिया बसरी से कहा था, राबिया तुम बहुत इबादत करती हो, औरत होने पे बहुत नाज है, तुम्हें पता है ना कि औरतों में कोई नबी नहीं हुआ, औरतों में कोई नबी नहीं हुआ, औरतों में कोई नबी नहीं हुआ, फिर भी तुम्हें औरत होने पे नाज है। राबिया बसरी ने मुस्कुरा के कहा था, ये सच है कि औरतों में कोई नबी नहीं हुआ, लेकिन जितने नबी हुए, नबी बगैर बाप के तो पैदा हुआ लेकिन नबी बगैर माँ के पैदा नहीं हुआ। हर नबी माँ की गोदी में आता है, हर नबी माँ की गोदी में परवरिश पाता है। अल्लाह अकबर। ए खातून जन्नत की कनीजों, ये माएँ थी जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बतले जलील दिया, ये माएँ थी जिसने तारिक बिन जियाद जैसा बतले जलील दिया, ये माएँ थी जिन्होंने अली अकबर जैसों को पैदा किया, ये माएँ थी जिसने अल्लाह अकबर आलमी इनकलाबी शख्सियत हजरत सैयदना इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन अल्लाह अकबर नेज़े पे कुरान सुनाने वाली शख्सियत इमाम हुसैन को जन्म दिया, माएँ थी जिसने उम्मत का सैयद और सरदार इमाम हसन मुज्तबा को जन्म दिया, ये माएँ थी अल्लाह अकबर जिसने ओनो मोहम्मद को जन्म दिया, ये माएँ थी जिसने गाजी अब्बास को जन्म दिया। याद रखिए जितने इनकलाबी आए हैं वो इन्हीं माओं के वतन से आए हैं, इन्हीं माओं की कोख से आए हैं। याद रखना जब माएँ नेक होती हैं, जब माएँ मुत्तकी होती हैं, माएँ बापर्दा होती हैं तो उनकी नस्लें भी अच्छी होती हैं, और जब माएँ सीरियल देखने लगे, माएँ फिल्में देखने लगे, माएँ बेपर्दा घूमने लगे तो उनके घर में चोर उचक्के डाकू और पापी पैदा होंगे, जानी और शराबी पैदा होंगे। मेरी कौम की बेटियों अगर अपनी नस्लों को संवरता हुआ देखना है तो सैयदा फातिमा की कनीज बनो, राबिया बसरी की कनीज बनो, अम्मा आयशा की कनीज बनो। सुन्नी दावत इस्लामी की कोशिश ये है, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले इज्तिमात करती हैं, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले आकर के मेहनत करती हैं, ये जो मदारिसों का कयाम है, ये जो मदारिस के अंदर आलिमा कोर्स मुबल्लिगा कोर्स ये सब कुछ कराया जाता है, उसकी वजह यह है हमारी फिक्र बस एक है कि कौम की हर बेटी सैयदा खदीजा और सैयदा फातिमा और आयशा सिद्दीका की कनीज बन जाए, ताकि उनको देख करके दुनिया पुकार उठे कि 1450 साल के बाद मुस्तफा जाने रहमत की कनीज का ये आलम है। तो मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के किरदार का आलम क्या होगा, जिसके बिस्तर पर कुरान नाजिल होता था उस अम्मा आयशा सिद्दीका के किरदार का आलम क्या होगा, जिसको अर्श से सलाम आता था उस खदीजतुल कुबरा के किरदार का आलम क्या होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों आओ तजदीद वफा करो, इस्लाम से अपने रिश्ते को मजबूत करो, मजहब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। ख्याल रखना जान देकर ईमान बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है, जान देकर दीन बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है, सबकी कुर्बानी देकर दीन बचाना पड़े तो सौदा सस्ता है।